Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वित्त मंत्रालय ने शनिवार को लोकसभा में जानकारी दी है कि 2000 रुपए के करेंसी नोट की प्रिंटिंग बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी मत की करेंसी नोट के बारे में फैसला लेने से पहले आरबीआई से राय लेती है। इसे आम लोगों के लिए पर्याप्त मदों में करेंसी नोट उपलब्ध होती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में प्रेस के पास 2000 नोट के भेजने के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग बंद करने का विचार कर रही है। वित्त राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी कि 31 मार्च 2020 तक 2000 रुपए के 27,398 करेंसी नोट्स सर्कुलेशन में हैं। 31 मार्च 2019 तक यह आंकड़ा 32,910 करेंसी नोट्स का था। उन्होंने आगे बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए नोटों की छपाई बंद रही थी। हालांकि इन प्रिंटिंग प्रेस में चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने 23 मार्च 2020 से लेकर के 3 मई 2020 तक नोटों की छपाई बंद थी। 4 मई से यहां पर काम शुरू हो गया था। ठाकुर ने यह भी बताया कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी कुछ समय के लिए नोटों की छपाई बाधित रही। SPMCIL के नासिक और देवास स्थित प्रेस लॉकडाउन के दौरान बंद थे।